दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता अक्सर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। इस बीच दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक सर्वे का हवाला देते हुए एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हमने लोगों से सर्वे करके पूछा था कि कौन सी पार्टी गुंडई और दंगा सबसे ज़्यादा करवाती है, जिसमें 91% लोगों ने कहा कि बीजेपी गुंडागर्दी और दंगे को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देती है। देश भर में भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई गुंडागिरी और लफंगई को देखते हुए 2 हफ्ते पहले हम लोगों ने एक सर्वे शुरू कराया था। 21 अप्रैल से ये सर्वे का काम शुरू किया था और इसमें हमने जनता से 3 सवाल पूछे थे कि कौन सी पार्टी देश भर में गुंडागिरी और दंगे करवाती है, किस पार्टी में सबसे ज़्यादा लफंगे, गुंडे और अनपढ़ लोग हैं, और तीसरा कि किस पार्टी में शरीफ, पढ़े लिखे और ईमानदार लोग हैं। ये सर्वे हमने फोन कॉल से, फील्ड सर्वे और कैटी सर्वे के रूप में कराया, तीनों तरीके से कराया। तो 2 हफ्ते में इसमें बहुत ही चौंकाने वाले नतीजे आए हैं। करीब 11.5 लाख लोगों से बात की इस सर्वे में हमने, और एग्जैक्टली देखें तो 11,54,231 लोगों से इस सर्वे में बात हुई। 11,54,231 लोगों से बात हुई। इसमें दिल्ली की जनता का सर्वे है ये, कि हमने पूछा था कौन सी पार्टी देश भर में गुंडागिरी और दंगे कराती है। जनता बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को समझती है कि भारतीय जनता पार्टी ही इस देश में दंगे कराती है, भारतीय जनता पार्टी ही गुंडई कराती है। 91% लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गुंडागिरी और दंगे कराती है।